कुछ दिनों से मैंने बच्चे देखे हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है या थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, और हिस्ट्री लेने पर पता चलता है कि उनकी फैमिली ने कंप्लीटली नॉर्मल सॉल्ट लेना बंद कर दिया है और उसकी जगह वो रॉक सॉल्ट या जिसको हम सेंधा नमक बोलते हैं वो ले रहे हैं। अब कई साल पहले इंडिया में आयोडीन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन थी जिसके कारण गोइटर थायराइड की प्रॉब्लम्स होती थी, तो इसलिए जो नॉर्मल हमारा जो नमक है, जो रेगुलर नमक है, उसमें आयोडीन डालना शुरू किया गया था, आयोडाइज सॉल्ट। अब जब ये ट्रेंड आ रहा है कि लोग सेंधा नमक ले रहे हैं, दे आर नॉट टेकिंग द नॉर्मल नमक नहीं ले रहे हैं, तो आयोडीन डेफिशिएंसी फिर से बढ़ रही है। और ऐसा नहीं है कि सेंधा नमक नॉर्मल नमक से कोई बहुत बेहतर है, सोडियम कंटेंट दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। सेंधा नमक थोड़ा लेस रिफाइंड होता है तो उसमें बाकी मिनरल्स हो सकते हैं, बट अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो आपको बाकी मिनरल्स भी मिल जाएंगे। तो प्लीज कंप्लीटली आप नॉर्मल सॉल्ट नॉर्मल नमक मत बंद कीजिए, आप जो रेगुलर नमक है उसको कुकिंग में यूज कीजिए, थोड़ा क्वांटिटी कम कर दीजिए चाहिए तो, और ऊपर से डालने के लिए आप सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट यूज कर सकते हैं। आयोडीन डेफिशिएंसी से थायराइड बच्चे का, आपकी फैमिली का अफेक्ट हो सकता है, और स्पेशली बच्चों के लिए थायराइड का नॉर्मल फंक्शनिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत जरूरी है, तो ये गलती नहीं कीजिए।